गाइस कभी सोचा है कि विशाल और भारी भरकम शरीर के बावजूद डायनासोर उड़ान कैसे भर लेते हैं? इनकी उड़ान भरने के पीछे भी एक सीक्रेट था। तो चलिए जानते हैं भारी भरकम शरीर वाले डायनासोर आखिर कैसे उड़ लेते हैं। गाइस डायनासोर का आकार बस से लेकर 2 मंजिल मकान जितना होता था। इतने विशाल और भारी भरकम शरीर के बावजूद वो उड़ान भर लेते थे। उनकी उड़ान के पीछे भी एक सीक्रेट था। ये दावा ब्राजील के जीवविश्व वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में किया। तो चलिए जानते हैं भारी भरकम शरीर वाले डायनासोर कैसे उड़ान भरते थे। गाइस शोधकर्ताओं का कहना है कि ये आसानी से उड़ पाते थे क्योंकि इनकी हड्डियां खोखली थी, इसलिए हड्डियों के कारण शरीर का भार नहीं बढ़ता था और उड़ान भरने में आसानी हो जाती थी। वो कहते हैं कि इनकी हड्डियों में छोटे छोटे एयर सैक्स पाए जाते थे जिसकी वजह से ये जिंदा रह पाए और ये एयर सैक्स पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुए थे। गाइस इनमें पाए जाने वाले एयर सैक्स क्या काम करते हैं अब इसे भी समझ लेते हैं। गाइस शोधकर्ताओं का कहना है कि इनके काम करने के तरीके को समझने के लिए डायनासोर के जीवविश्म का सिटी स्कैन किया गया। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी के एयर सैक्स मिले। इसे देखकर लगता था कि ये धीरे धीरे अलग अलग समय पर विकसित हुए क्योंकि सभी का आकार अलग था। वैज्ञानिक ने संभावना जताई कि ये एयर सैक्स डायनासोर के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करते थे। गाइस रिसर्च कहती है कि इनकी गिनती रेंगने वाले जीव यानी रेप्टाइल्स में की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें विशेष हड्डी विकसित हुई थी। शोधकर्ताओं ने दक्षिण ब्राजील में 23 करोड़ साल पहले टाइसिक पीरियड के डायनासोर के अवशेष पर रिसर्च की। रिसर्च ने कहा कि ये जानवर की पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक कोड बदलता है, इस तरह उनकी प्रजाति में बदलाव आता है। समय के साथ साथ ये बदलाव बढ़ता है। डायनासोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि ये डायनासोर जिस काल से ताल्लुक रखते हैं उस समय अधिक गर्मी पड़ती थी, जलवायु सूख यानी ड्राई थी, इसलिए उनके ब्लड को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी क्योंकि ऐसा करके ही वो शरीर को ठंडा रख पाते थे। एयर सैक ही वो शरीर का हिस्सा था जो शरीर और हड्डियों के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता था। गाइस आपको इन डायनासोर के सीक्रेट के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।